अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तो याद नहीं मुझे, पर फिर भी जब भी अभेजी मेरे सामने आते ऐसा लगता है कोई पुराना नाता है मेरा उनसे। मैंने आपसे विनती की थी भोलेनाथ कि आपको 5 दिन के अंदर मेरी बिंदिया की याददाश्त वापस लानी ही होगी। आज 5 दिन पूरे हो रहे हैं, आज कोर्ट से कागज भी आ जाएंगे और मेरा और विद्या का रिश्ता खत्म मान लिया जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, ये सब क्यों हो रहा है? क्या बंधन है मेरा उनसे जो मुझे उनकी ओर खींचता रहता है? कल से मिंटी के साथ शादी की तैयारियां भी हो जाएगी और मैं अपनी बिंदिया को हमेशा के लिए खो दूंगा। सीएम बर्फी भारद्वाज के बेटे अभय भारद्वाज की मुंबई के व्यवसाय भल्ला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के रोहन भल्ला की बहन मिंटी भल्ला के साथ शादी का ऐलान हो चुका है। अभय भारद्वाज की पहली पत्नी विंध्या भारद्वाज, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पिछले 7 साल से लापता हैं। अब देखना ये है कि अभय भारद्वाज उन्हें मृत मानकर इस नए रिश्ते को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं। ऐसा नहीं होने दे सकते हैं भोलेनाथ। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो आपको मुझे मेरी बिंदिया वापस देनी होगी। Namaste।
Well done, मेरी बहन। ये सारी प्लानिंग आप ही की तो थी ना वीर जी। हम जो चाहते थे वो होने वाला है। अब जाकर हमारा बदला पूरा होगा। बस ये बिंदिया ही एक आखिरी रोड़ा है। शादी होने तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए। बिंदिया को अभी की जिंदगी से गए हुए 7 साल हो चुके हैं और आज आखिरी दिन है। आज कोर्ट से कागज आ जाएंगे। बिंदिया की 7 साल तक कोई खबर ना मिलने के कारण उसे मृत घोषित किया जाता है और अब अभय को झक मार कर उन कागज पर साइन करना ही पड़ेगा। और ये बिंदिया हमेशा के लिए अभय की जिंदगी से बाहर हो जाएगी। वो कहा है ना, ये सब हमारी प्यारी बर्फी के कमाल के अभिनय के कारण हुआ है। बहुत कमाल खेल खेला है तुमने। अजी क्या कर रहे, हमें दर्द हो रहा है। और इससे 10 गुना ज्यादा दर्द होगा अगर बिंदिया को कुछ भी याद आया तो। हम क्या करें जी, आप बताएं। क्या करें मतलब, 7 साल पहले जो काम अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करो। बिंदिया को खत्म होना चाहिए। अगर तुम सीएम की कुर्सी पर बनी रहना चाहती हो तो उसको मरना होगा आज ही। इससे पहले कि उसे कुछ भी याद आए। अगर बिंदिया की याददाश्त वापस आ गई ना तो तुम्हारा सब कुछ छीन जाएगा। कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास, ना सीएम की कुर्सी, ना तुम्हारा बेटा, ना ये घर। जेल में चक्की पीसोगी चक्की। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास ये सब कुछ बना रहे, खत्म कर डालो बिंदिया को, खत्म कर डालो, मार डालो। अब आप ही कुछ बताइए माता रानी। ये क्या है? कोर्ट का आदेश, बिंदिया भारद्वाज को मृत घोषित किया जाता है। आपको इन पर साइन करना है साले साहब। 7 साल पूरे हो गए। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं ना कि मेरी बिंदिया जिंदा है, तो फिर ये सब क्या है? अरे छोटे, लेकिन ये बिंदिया तुम्हारी पत्नी बिंदिया ही है, ये साबित कहां हुआ है? और वैसे भी उसे कुछ याद तो है नहीं, और तुम इंटी के साथ शादी करने के लिए हाँ भी तो कर चुके हो ना। इसीलिए इन पेपर्स पर साइन करने के अलावा आपके पास कोई और विकल्प भी नहीं है साले साहब। आपका और बिंदिया का रिश्ता आज से खत्म।
सर, आपने जो काम हमें करने के लिए बोला है वो काम करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बार सीएम मैडम खुद अपने मुंह से ये बात कह दे तो क्या है ना कि हमें भी तसल्ली हो जाएगी कि हम जो कर रहे हैं वो उनके संरक्षण में कर रहे हैं। बता इनको तुम्हारे ऑर्डर है। आओ। हाँ, हमारा ऑर्डर है। बिंदिया को अभी के अभी खत्म कर दो। ठीक है मैडम। सच में मुझे बिंदिया के साथ अपना रिश्ता खत्म करना होगा। सात साल के बाद तो वो मेरे सामने आई है। एक बार फिर से मुझे उससे अलग होना होगा। नहीं भगवान, आपको आपको के चमत्कार दिखाना ही होगा। भैया आपका फोन मिलेगा, एक जरूरी फोन करना है। हाँ हाँ, देता हूँ। क्या हुआ? नंबर याद नहीं आ रहा। 9 8 9 8 72 3 7 75 6 81 9 8 72 4 7 76 साले साहब, इस कलयुग में कौन से चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं आप? आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। वो कहा है ना कि रजिस्ट्रार का आदमी इंतजार कर रहा है बाहर। हेलो बिंदिया। अबे जी, बिंदिया तुम्हें मेरा नंबर कैसे याद रहा? पता नहीं, मुझे यही एक नंबर याद है। वो सब छोड़ी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। कुछ गुंडे, बिंदिया बिंदिया हेलो। हेलो
अगर बिंदिया की याददाश्त वापिस आ गई ना तो तुम्हारा सब कुछ छीन जाएगा, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास, ना सीएम की कुर्सी, ना तुम्हारा बेटा, ना ये घर। सात साल पहले इसी जगह तुम खाई से गिरी थी, कहानी अधूरी रह गई थी, आज पूरी हो गई। बिंदिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल दूंगा, बिंदिया अभी जाके खोलो, बिंदिया, बिंदिया। मेरी बिंदिया को कुछ हुआ मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा।